सो फाइनली आ गया हूँ बहुत समय बाद एक नया वीडियो लेकर, क्योंकि मेरा जीपी रेटिंग चल रहा था तो 6 महीने 6 7 महीने तक मैं बहुत बिजी रहा था तो वीडियो नहीं डाल पाया। तो फाइनली मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जीपी रेटिंग के बारे में। तो गाइस चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जीपी रेटिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला कि हाँ, दो सब्जेक्ट होते हैं एमई के और जीएस के, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज एंड जनरल शिप नॉलेज। तो वैसे दो सब्जेक्ट होते हैं, तो जीएस के डेक साइड के लिए होता है, एमई के इंजन साइड के लिए होता है, और जो जीएस के का भी प्रैक्टिकल ओरल और ऑनलाइन के लिए हमें तैयारी करना रहता है, वैसे ही एमई के का भी प्रैक्टिकल ओरल और ऑनलाइन के लिए तैयारी करना पड़ता है। तो ऑल ओवर आप सब में अच्छे होने चाहिए, बोलने में भी अच्छे होने चाहिए, प्रैक्टिकल करने में भी अच्छे होने चाहिए, और ऑनलाइन में भी मतलब थियोरिकल में भी आप अच्छे होने चाहिए। को मेहनत तो करना पड़ेगा, पूरा 6 महीना आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 45 डेज ऑनलाइन चला था और बाकी जो 4.5 महीने था वो ऑफलाइन चला था। तो अभी कोविड नहीं है तो फिर अभी पूरा ऑफलाइन चल रहा है, तो मेहनत तो आपको पूरा 6 महीना करना पड़ेगा। उधर रेसिडेंशियल कोर्स रहता है तो उधर ही रहकर आपको मेहनत आप आराम से पास कर सकते हो, अगर आप 6 महीना बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो। सो जीपी रेटिंग में मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जर्नल भी लिखना पड़ेगा। हम तो रात को जाग जाग कर मतलब जर्नल लिखते थे, और मेहनत मतलब पढ़ाई भी करना पड़ता है भाई, और टेस्ट होता है, क्या क्या करना पड़ता है उधर। तो आपको नया लगेगा, आपको मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करना, स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग करोगे तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। सो मैं तो एसपी मरीन से किया था, तो वहाँ पर तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है कॉलेज, और बाकी तो स्ट्रगल तो हर जगह करना पड़ता है, तो वो भी बहुत किया हम। तो हमारा ये जीपी रेटिंग अच्छा गया जर्नी, पूरा दोस्त बोस्त लोग सब बन गए, तो उधर मज़ा आ रहा था थोड़ा बहुत। तो आपको भी जीपी रेटिंग में मतलब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लोगे तभी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि पूरा नया सब्जेक्ट आ रहा है ना, ना तो 10th से या 12th से वो पूरा अलग ही आता है जीपी रेटिंग 10th से और 12th से। तो ये आपको पूरा नया लगेगा, तो आपको थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगेगा स्टार्टिंग में, फिर अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपको कुछ बनना है तो आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो आपको मज़ा आएगा बहुत। तो यही जीपी रेटिंग का कोर्स होता है। और सो अभी थोड़े टाइम में हमारा CDC आ जाएगा घर पे, और STCW का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, और 2-2.5 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है जीपी रेटिंग का। तो उसके बाद हम कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं सब जॉब के लिए, और अगर किसी रेफरेंस वेफरेंस से, फिर भी वो रिज़ल्ट आने के बाद ही हम कर सकते हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही सब बताना चाहता था मैं आपको वीडियो में कि पूरा जीपी रेटिंग कैसे होता है। तो हम तो भाई बहुत मज़ा किया भाई, जीपी रेटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट किया भाई, मतलब दोस्त बहुत अच्छे से बन गए थे सब लोग, हम पार्टी वार्टी सब बर्थडे मनाते थे, और इवेंट भी होते रहते थे, फिर बाहर भी घूमने जाते थे, तो पूरा बैलेंस रहता था लाइफ, और स्टडी भी करते थे, रात को जर्नल भी लिखते थे जाग कर। तो ये पूरा जर्नी बहुत अच्छे से गया है जीपी रेटिंग का। तो यहीं तक था मेरा वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक, जर्नल और टार बुक सब कैसे फिल किया रहता है, कैसे उसको पूरा जीपी रेटिंग में उसका महत्व इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।